हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग को देखना है क्या रिवर्स चार्ज, वो भी किस पे, टैली पे कैसे करते हैं। तो टैली पे सीखने से पहले आपको रिवर्स चार्ज समझना पड़ेगा। व्हाट इज रिवर्स चार्ज? रिवर्स चार्ज का मतलब है, नॉर्मली द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे द टैक्स ऑन सप्लाईज। आप सभी को पता है रिवर्स चार्ज, अगर हम समझ रहे हैं, अगर आप रिवर्स चार्ज को टैली पे समझना चाहते हैं, पहले रिवर्स चार्ज का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज का एक कंसेप्ट है कि नॉर्मल केस में तो सप्लायर टैक्स देता है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का पैसा वसूलता है प्लस उसका जीएसटी भी वसूलता है और जीएसटी गवर्नमेंट को देता है। इन द केस ऑफ रिवर्स चार्ज द रिसीवर बिकम लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, द चार्जेबिलिटी गेट रिवर्स्ड। यहाँ चार्जेबिलिटी रिवर्स हो जाती है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, नॉर्मल जीएसटी पेमेंट प्रोसेस, यहाँ पे सप्लायर खड़ा है, यहाँ पे रेसिपिएंट खड़ा है, दैट मीन्स रिसीवर ऑफ गुड्स यहाँ लिखा गया। अब सप्लायर ने गुड्स एंड सर्विसेज को दिया, अब ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी देगा प्लस जीएसटी का ही पैसा देगा। अब क्या करता है सप्लायर, जो जीएसटी का पैसा आता है वो प्राइस ऑफ गुड्स तो अपनी जेब में रख लेता है पॉकेट में, लेकिन जो जीएसटी का पैसा है वो पास कर देता है किसको, गवर्नमेंट को। ये नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में सप्लायर इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। बट अंडर द रिवर्स चार्ज स्कीम, है ना, इसमें क्या होता है, रेसिपियंट इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अगेन देखिए, सेम केस है, गुड्स एंड सर्विसेज लिया इसने, रेसिपिएंट ने, अब ये सिर्फ उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस पे करेगा और इस गुड्स एंड सर्विसेज की जीएसटी ये रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को दे देगा। मींस अंडर रिवर्स चार्ज रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब यहां तक तो बात समझ में आ गया, जो बायर है, रेसिपिएंट है, वो गवर्नमेंट को टैक्स देगा। अब सॉल्व होता है, सर ऐसा क्यों होगा और किस केस में होगा? तो व्हेन रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल देयर आर थ्री केसेस मेनली, सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर। अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सामान खरीदता है तो जाहिर सी बात है अनरजिस्टर्ड डीलर को वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स का पैसा देगा। मैं रजिस्टर्ड डीलर हूँ, मैंने अगर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा है तो मैं अनलिस्टेड डीलर को सिर्फ गुड्स या सर्विस का पैसा दूंगा, उसकी जीएसटी मुझे खुद गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। फिलहाल ये जो लॉ था ये सस्पेंडेड था, गवर्नमेंट ने ये सस्पेंड कर रखा है। सस्पेंड इन द सेंस क्या, अनलिस्टेड डीलर से अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर सामान खरीदता है उस पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं करने के लिए कहा है। लेकिन अभी इसी 2019 में एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें कहा गया है कि अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो उस केस में अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर रियल एस्टेट कंपनी अगर कोई सामान खरीदती है तो उसमें रिवर्स चार्ज अभी भी लगेगा। तो अभी इस 2019 में एक नोटिफिकेशन आ गई है, इसका सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 9 की सबसेक्शन 4। अच्छा, अगर मैं अनरजिस्टर्ड डीलर से एक रुपए का भी सामान खरीदूं तो क्या मुझे रिवर्स चार्ज देना है? तो यहाँ पे कहा गया नहीं, आपको रिवर्स चार्ज तभी देना होगा जब हम अनरजिस्टर्ड डीलर से एक दिन में 5,000 से ज्यादा का सामान खरीदेंगे। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर एक दिन में 4,000 का सामान खरीदा तो मेरे को रिवर्स चार्ज नहीं देना। लेकिन अगर मैंने किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से मैंने अगर 6,000 का सामान खरीदा या 7,000 का सामान खरीदा, 7,000 का सामान खरीदा तो मेरे को 2,000 पे जीएसटी मुझे देनी पड़ेगी अंडर रिवर्स चार्ज के तहत। 5,000 के ऊपर ना कि 5,000, मान लो 7,000, 7,000 पे नहीं आरसीएम लगेगा, आरसीएम सिर्फ और सिर्फ लॉ लगेगा 2,000 पे। अब देखिए यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें, नेक्स्ट सर्विसेज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपना कोई सामान नहीं बेचते हैं, ये सब फिलिप्स या इस तरह की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, MI, बहुत सारी कंपनी इस तरह के, सैमसंग, उन लोग का वो सामान खरीद करके बेच देते हैं। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि उसका जीएसटी वो खरीद रहा है तो उसी को जीएसटी क्या करना है, गवर्नमेंट को पे करना है। तीसरा होता है सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज है जिन पे आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, कुछ स्पेसिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। जस्ट लाइक आप सभी को पता है, अगर हम कुछ गुड्स की बात करें तो इसमें कैश यूनिट आता है, एग्रीकल्चरल सप्लायर होता है, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट को कोई जीएसटी नहीं देना है। जो खरीदार है, जो कंपनी खरीदेगी कैश यूनिट यानी कि काजू, वो बेसिकली जीएसटी देगी। बीडी रैपर, दैट मीन्स टेंडू लीव्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है बट रजिस्टर्ड डीलर जो भी खरीदारी करेगा उसको जीएसटी देनी है। टबैको लीव्स हो गया, सिल्क यार्न हो गया, ये सब एग्रीकल्चरिस्ट जो भी है, रॉट कॉटन हो गया, एग्रीकल्चरिस्ट उसे प्रोड्यूस करता है, लेकिन सप्लायर भी यही होता है, यही बेचता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड पर्सन खरीदेगी उसको जीएसटी देनी होगी। सही, आप सप्लाई ऑफ लॉटरी का केस है और भी कई केसेस हैं,
यूज्ड व्हीकल। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं सर्विसेज की, सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर आरसीएम। तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो आरसीएम में आती है, जस्ट लाइक जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जैसे एडवोकेट। एडवोकेट अगर किसी कंपनी को कोई सर्विस दे रहा है, किसी भी बिजनेस एंटिटी को, तो एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अपनी फीस चार्ज करेगा, हालांकि एडवोकेट सर्विस सप्लायर है, और जो बिजनेस एंटिटी है वो उसको से फीस देगी, और फीस का जो जीएसटी है वो कंपनी खुद गवर्नमेंट को पे कर देगी। इसी तरह से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, इसी तरीके से एनी पर्सन बॉडी कॉरपोरेट, ये सब आप जीएसटी जब पढ़ते हो ना तो आपको ये सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टर ऑफ अ बॉडी कॉरपोरेट, डायरेक्टर सर्विस देता है कंपनी को तो उसे अपनी फीस चार्ज करेगा, जीएसटी कंपनी खुद गवर्नमेंट को दे देगा। एक इंश्योरेंस एजेंट, एलआईसी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां होती हैं इंश्योरेंस कंपनी, उनको सर्विसेज देता है, उनके पॉलिसीज को मार्केट में बेचता है, तो एजेंट सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन चार्ज करेगा कंपनी से, कंपनी उसका उस कमीशन के ऊपर जीएसटी खुद पे कर देगी, हालांकि ये रेसिपिएंट है। रिकवरी एजेंट, बैंकों में रिकवरी एजेंट्स होते हैं, तो रिकवरी एजेंट सिर्फ कमीशन लेंगे, बैंक कंपनियां, बैंक क्या करेगी, खुद उसका जीएसटी गवर्नमेंट को देगा। इस तरीके से ऑथर म्यूजिक कंपोजर होते हैं, तो पब्लिशर कंपनी जो होती है, म्यूजिक कंपनी होती है, वो उसकी जीएसटी देंगी, ऑथर म्यूजिशियन जो कि अपनी सर्विस दे रहा है, सप्लायर है, सर्विस सप्लायर, उसको जीएसटी नहीं देनी है। फोटोग्राफर आर्टिस्ट सेम केस, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी ऑफ आरबीआई सेम चीज है। अब ये सारे सर्विसेज के केस है, टाइम टू टाइम इसमें भी अमेंडमेंट्स होते रहते हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया जो ए केस में क्या है, अगर कोई रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से 5,000 रुपये एक दिन में 5,000 वन डे में 5,000 से ज़्यादा का अगर सप्लाई ले रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी भी रजिस्टर्ड पर्सन को ही देनी पड़ेगी, 5,000 से ऊपर जितने की भी खरीदारी होगी उतने पे, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आज हम लोग बेसिकली टैली में जो हम लोग करने वाला है यही सेक्शन करने वाला है, इसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 9 की सब सेक्शन 4, ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 9 की सब सेक्शन 5, और ये जो आता है अंडर सेक्शन 9 की सब सेक्शन 3 में। तो हम लोग सबसे पहले यही वाला पढ़ने वाले हैं और इसको टैली पे कैसे करेंगे, बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू। ओके, तो जस्ट लाइक हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमने एक सर्विस लिया है, ठीक है, 20,000 की, कोई हमने कोई फॉर एग्जांपल वी परचेज गुड्स, ओके, फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ओके, सो हमने अनरजिस्टर्ड डीलर से हम गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स में क्या है, दैट मीन्स मान लो लैपटॉप खरीद रहे हैं, ये गुड्स है हमारा लैपटॉप, तो हम कितने लैपटॉप खरीद रहे हैं, सपोज करिए हमने 4 लैपटॉप खरीदे, ओके, और एट द रेट कितने पे, सपोज करो 20,000 में हमने लैपटॉप परचेज किया फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर नेम्ड सॉफ्टटेक कंप्यूटर, ओके, तो इससे मैं कुछ सामान परचेज कर रहा हूँ। तो देखो टैली में मैं एक पहले कंपनी बना देता हूँ, ओके, सो मैंने यहाँ पे एक कंपनी बना ली, हमारी कंपनी का नाम है नियर ट्रेडिंग कंपनी, हम लोग रजिस्टर्ड डीलर है उत्तर प्रदेश के, ओके, 1 अप्रैल 2019 कंट्रोल है, सबको पता है जीएसटी इनेबल करना होता है, तो जीएसटी मैं इनेबल कर लेता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे एक जीएसटीएन नंबर यूज कर लेता हूँ, ओके, सो मैंने यहाँ पे एक जीएसटीएन नंबर मैंने यूज कर लिया, जस्ट लाइक 09AAACI1681G1ZN, ये मैंने जीएसटी नंबर ले लिया, ओके, बाकी यहाँ पे सब कुछ ऐसे ही रहेगा, एप्लीकेबल पीरियडिकली
ठीक है, ईवे बिल सब कुछ, ईवे बिल आपको पता है 50,000 पे बनना है, 50,000 से ऊपर का गुड्स होगा। तो अब यहाँ पे बस हम लोग एक्सेप्ट करते समय इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर को, इसको यस करेंगे क्योंकि हम लोग रिवर्स चार्ज लगाना है परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, इसलिए हम इसको यस कर रहे हैं, अदरवाइज हम इसे यस नहीं करते। अब इसको मैंने कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहली चीज हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कुछ लेजर्स चाहिए, तो एक लेजर बना लेते हैं। किसका लेजर बनाना है, जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोग खरीदारी किससे कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से, तो मैं सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का लेजर बना लेता हूँ। ये क्या हमारा सेंड्री क्रेड, इसे हम परचेज कर रहे हैं, ओके, और इसका हम लोग जीएसटीएन नंबर, ये जीएसटीएन नंबर नहीं है क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर है, क्लियर है, इससे हम परचेजिंग कर रहे हैं। परचेज का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा, परचेज का अंडर होता है परचेज अकाउंट, और यहाँ पे ध्यान रहे जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा गुड्स, ओके, परचेज भी बन गया, और एक बनाना पड़ेगा हमें इनपुट सीजीएसटी, ओके, सो ये हो जाएगा हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी सीजीएसटी और कुछ भी नहीं करना है, एक्सेप्ट, अगेन क्या बनाना है इनपुट एसजीएसटी, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस होगा जीएसटी, और यहाँ पे एसजीएसटी है तो स्टेट टैक्स है, ओके, ये हमने टैक्सेस के भी लेजर बना लिए। अब हम लोग को क्या बनाना है, हमें आइटम बनाना है, तो हम आइटम बना लेते हैं जस्ट लाइक हम लोग लैपटॉप खरीद रहे, ओके, तो लैपटॉप का अंडर क्या हो गया, दैट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर डाल दिया मैंने, यूनिट्स हैं, पीसेस हो गया, और यूक्यूसी में पीसेस हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेट एडिटर जीएसटी को यस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको पता है लैपटॉप है, एचएसएन कोड सबको पता है 8471, और यहाँ टैक्सेबिलिटी में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 18% गुड्स है। पीफो मेथड सपोज करिए हमने मेथड लगा दिया, देन एक्सेप्ट, ठीक है, ये करने के बाद ये कंप्लीट हो गया, हमने अब क्या करना है, परचेज करना है, तो हम लोग सिंपल सा F9 में परचेजिंग की एंट्री कर रहे हैं, परचेज कर दिया, इनवॉइस नंबर 101 डाल दिया, पार्टी नेम सॉफ्टटेक है, और यहाँ पे एलटाई कर देंगे, आइटम हमें दिखाना है परचेज, ये सब कुछ नहीं पकड़ने की जरूरत है, यहाँ पे लैपटॉप है, ओके, लैपटॉप जब हमने पकड़ाया था तो यहाँ पे हमने ये सब तो किया, 18% टैक्स भी डाल दिया था, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉफ्टवेयर अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अब इससे हमने कितने लैपटॉप खरीदे, हमने 4 लैपटॉप खरीदे, कितने के रेट से, 20,000, 80,000 का लैपटॉप खरीद परचेज किया, टैक्सेबल है, वैल्यू कितनी है 80,000, बट यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू आप सभी को पता है 5,000 से जितना ऊपर परचेज करोगे उस पर जीएसटी लगेगी, दैट मीन 75,000, ओके, ये बॉक्स अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पे F12 करिएगा, और यहाँ पे स्टैचुटरी में ये फीचर ऑन कर लीजिएगा, अलाउ मॉडिफिकेशन टैक्स डिटेल्स, इसको यस कर लीजिएगा, जैसे ही इसको यस करेंगे तब ये जैसे ही लैपटॉप पे एंटर करोगे ये बॉक्स खुलेगा, और इसमें अगर टैक्सेबल वैल्यू भी देखना है तो यहीं पे आप F12 करना, फिर सॉरी एंटर किया, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे CGST अगर मैं पढ़ाऊंगा ना, इनपुट CGST नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर है, नहीं पकड़ेगा, जीएसटी डिटेल फिलहाल नहीं डाल रहा हूँ मैं, ईवे बिल डिटेल नहीं डाल रहा हूँ, नरेशन न्यू रेफरेंस नरेशन डालूंगा, बीम गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, ओके, अब जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूंगा यहाँ पे ओवरराइट करने के लिए कहेगा, क्यों ओवरराइट, क्योंकि जाहिर बात है बिल बन रहा है 80,000 का, लेकिन हमने टैक्सेबल वैल्यू डाला है 75, क्या ये सही है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है और बाद में आप इसको रिजॉल्व करोगे तो यस दबाना, अगर आपको पता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही हम डाल रहे हैं एज पर लॉ है ये, तो ओवरराइट कर दीजिए,
अदरवाइज बैक। तो मैं इसको करने से पहले मैं एक बार आपको एलटी का चेक करा रहा हूँ, एलटी टैक्स एनालिसिस। तो इस 80,000 पे देखिए, लेकिन 75,000 टैक्सेबल वैल्यू, इस पे जीएसटी बताया 6,750, 6,750, 6,750 रुपीज सीजीएसटी और एसजीएसटी है, जो हमें लिखा भी है अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज, जो रिवर्स चार्ज हमको देना पड़ेगा एज पर रिवर्स चार्ज के तहत हम खरीद रहे हैं, लेकिन इसका टैक्स भी हम ही को देना है। सो अब हम लोग इसको देखिए एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम ओवरराइट कर रहे हैं, ओ मीन्स कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। अब अगर हम रिपोर्ट जाके देखें, रिपोर्ट देने का शॉर्टकट डी ओ जी, और यहाँ पे देखिए हम लोग अगर जीएसटी आर टू हमने परचेस किया, जीएसटी आर टू में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है एक है इंक्लूडेड रिटर्न्स, लेकिन नीचे जाके देख रहे हैं तो यहाँ देखिए दिखा रहा है यू आर डी परचेज है, अनरजिस्टर्ड डीलर्स हमने परचेजिंग किया 13,500। इस पर एंटर करते हैं तो दिखाता है टोटल लाइबिलिटी आपका है इतना, जो देना है आपको बैलेंस लाइबिलिटी, लेकिन अभी तक ये बुकड नहीं हुई है तो इसको हमें बुक करना है। अब मैं आपको इससे पहले ये चीज़ समझा रहा हूँ, आरसीएम हम टैली पे कैसे करते हैं। बेसिकली हमें चार एंट्री पास करनी होती है टोटल। सबसे पहले तो हमने परचेज करना है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम आरसीएम, जैसा कि अभी आपके सामने मैंने कर दिया। अब इसके अलावा हमें तीन एंट्रीज करने पड़ते हैं। सबसे पहली एंट्री जरा समझिए, इंक्रीज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, हमें टैक्स लाइबिलिटी बढ़ानी है। क्यों? क्योंकि देखिए भले ही लाइबिलिटी दिखा रहा है कि हमें 13,500 देना है, लेकिन बैलेंस शीट में देखिए कहीं कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस में कुछ नहीं आ रहा। तो इसको करने के लिए, लाइबिलिटी लाने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक एंट्री करनी पड़ेगी, हमें अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा आउटपुट टैक्स। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको इनेबल करते हैं, कैसे इसे अलाउ करते हैं। तो सेकेंड नंबर पर डिस्प्ले पर जाएंगे, वही डी ओ जी टू डेट अप्रैल का ही है, कोई टेंशन नहीं है। यू आर डी परचेज एंटर करेंगे, यहीं पे हम लोग लाइबिलिटी बुक करने के लिए एल के साथ जे स्टेट एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज टैक्स लाइबिलिटी कर रहे हैं, वो भी परचेज अनरजिस्टर्ड डीलर, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। 30 अप्रैल लेगा नहीं, सो मैं 1/5 पकड़ा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेजर बनाना होगा। किस चीज़ का लेजर बनाएंगे हम लोग आर सी एम बना रहे हैं, जीएसटी आरसीएम के तहत, वो भी अंडर सेक्शन 9 के सब सेक्शन 4। अगर आप लिखना चाहते हो सेक्शन मेंशन करोगे तो करो, नहीं तो छोड़ो, जाने दो, मैं नहीं कर रहा। ज्यादा सेक्शन में नहीं, पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, बाद में सेक्शन पे ध्यान देना। अब ये क्या होगा, हमारा करंट एसेट, ठीक है ना, करंट एसेट। और ये ध्यान रखना ये क्या है, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इनपुट जीएसटी आर सी एम के तहत मैं बनाया। ये हमारी करंट एसेट है क्योंकि इसे हमें आई टी सी हमें मिल जाएगी, ये पहले मैंने बना दिया, कुछ नहीं करंट एसेट डालने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं पकड़ाना है एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग कितना डालना है, 13,500, 13,500 आ रहा था, ठीक है। अब क्रिएट करेंगे किसको, अब हम लोग को लाइबिलिटी बनानी है, तो लाइबिलिटी बनाने के लिए हमें फिर एलटीसी करना पड़ेगा, आउटपुट सीजीएसटी। तो सवाल उठता है सर बेचते समय तो आउटपुट सीजीएसटी बना ही होता है, सीजीएसटी बना होता है, लेकिन आप यहाँ पे फिर से बनाओ कौन सा, आरसीएम वाला, आउटपुट सीजीएसटी आरसीएम के तहत। ये क्या हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस एकदम वैसे बनेगा, और आउटपुट सीजीएसटी तो सेंट्रल टैक्स ही है कंट्रोल, और इसमें कितना परसेंट है, 9% है। वैल्यू कितनी थी, 75,000, तो 75,000 पे 9% कितना आ जाएगा, 6,750 रुपीस, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और लेजर बनाइए आप, आउटपुट एसजीएसटी आरसीएम, ये किसके तहत बन रहा है, आरसीएम। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट जीएसटी, ओके, ये भी 9% 75,000 पे 6,750। अब ये करना, जीएसटी डिटेल यस कर लीजिए, ये किस चीज के ऊपर है, टाइप ऑफ इनपुट, ये गुड्स है। अब यहाँ पे बीइंग, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लाइबिलिटी इंक्रीज किया, बुक्ड लाइबिलिटी
अगेंस्ट आरसीएम आरसीएम, ठीक है। ये हमने अपनी लाइबिलिटी बुक कर दी, तो मेरी लाइबिलिटी चढ़ गई कितनी, 6750 और इसकी मुझे आईटीसी मिल जाएगी 3500 की। अब जैसे ही मैंने ये एंट्री किया, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हो बुक लाइबिलिटी नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा डेट 30 अप्रैल है। मैं इसको सही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 1/5 को एंट्री किया, एल्ट एफ टू करना है 1 अप्रैल से 1 मई। अब मैं URD परचेज पे जाके देख रहा हूँ, एंटर करो। अब देखो लाइबिलिटी में आ गई है, बैलेंस लाइबिलिटी से उठ के इसमें आ गई, लाइबिलिटी बुक हो गई मेरी 13500 की, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे GST R 3B में भी ये ITC में आ जाएगा, ये यहाँ पे 13500 URD परचेज में आ गया। खैर यहाँ तक तो समझ में आ गया, अब हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। सॉरी बैलेंस शीट देख रहे हैं तो अब देखिए लिटरीज एंड लाइबिलिटीज में 13500 आ रहा है। अब ये इसका पेमेंट हम लोग कर देंगे और ये इनपुट RCM, इसके RCM हमें मिल जाएगा, ये इनपुट GST है, इसके हमें ITC मिल जाएगी। फिलहाल तो हम लाइबिलिटी पेमेंट करने जा रहे हैं। अब लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए सिंपल सा पेमेंट में जाइए, ये थर्ड एंट्री है। अगर आप देख रहे हो मैंने नोटपैड पे लिखा हुआ है पेमेंट आउटपुट टैक्स अंडर RCM, अल्ट एस करके पेमेंट कर दीजिए। तो हम लोग सिंपल सा पेमेंट में जाएंगे, यहाँ से F5 और यहाँ पे अल्ट एस दबाएंगे, GST है और यहाँ पे कब से कब तक का, 1 अप्रैल से 1 मई में ले लेता हूँ, 30 अप्रैल लेगा नहीं, एजुकेशनल वर्जन है इसलिए। ओके अब हम लोग किस तरह से रेसिपिएंट लाइबिलिटी चुका रहे हैं, यहाँ पे डेट सही कर लीजिएगा 1 मई। अब डेट डेबिट क्या होगा, हम आउटपुट CGST जमा कर रहे हैं, कितना अमाउंट, बैलेंस फिगर दिख रहा है यहाँ पे 6750 रुपीज। फिर डेबिट करेंगे आउटपुट SGST, दैट इज ऑल्सो 6750 रुपीज। फिर क्रेडिट करेंगे किसको, हम बैंक से पेमेंट करते हैं, मैं एक बैंक बना लेता हूँ, एक्सिस बैंक अंडर बैंक अकाउंट, ओके कंट्रोल है, ओके माइनस में जा रहा है। सपोज करिए मेरा इस बैंक में CC लोन अकाउंट है तो माइनस में जाएगा ही, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पे मैंने एक चेक काटा, ओके किसके नाम पे, GST डिपार्टमेंट के नाम पे, ओके GST डिटेल भरना है, भर दीजिए। किससे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, नेम ऑफ द बैंक एक्सिस बैंक, CPI नंबर आएगा आप चालान बनाते हैं, आप सभी को पिछले वीडियोस में दिखाया था मैंने चालान कैसे बनाते हैं, अगर दिक्कत हो तो आप जाके चालान जनरेट करना सीख लीजिए पीछे के वीडियोस में जाके GST में। नेक्स्ट है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब जमा होगा तब मिलेगा, BRN नंबर भी तभी मिलेगा। पेमेंट डेट 1 मई को हम जमा कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नंबर 252501, फिर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट डेट अगेन 1 मई, ओके। फिर नेक्स्ट क्या है, बीइंग लाइबिलिटी आउटपुट टैक्स पेड, सॉरी बीइंग टैक्स पेड यानी GST पेड अंडर RCM, RCM के तहत हमने GST हमने पे कर दिया तो हमने गवर्नमेंट को दे दिया, तो ये मेरी चिंता खत्म, ओके। सो मैंने अल्ट एस शायद दबाया भी था, आपने देखा भी होगा, ओके स्टेट पेमेंट GST है, डिसिप्लिन लाइबिलिटी हमने पे किया। अब आप लोग इसका रिपोर्ट देखिए, बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन 13000 अभी RCM की यहाँ पे बाकी है मेरे पास। अब अगर हम लोग बात करें इसमें कहाँ पे जाएंगे, डिस्प्ले में, और यहाँ पे अगर हम DOG करेंगे दैट मीन्स GST R2 देखेंगे, ओके। और अगर यहाँ पर URD परचेज में देख रहे हैं, अभी भी दिख रहा है सबको, सॉरी L2 फर्स्ट अप्रैल से 1 मई, ओके। सो 1 मई को हमने पेमेंट भी कर दिया, लाइबिलिटी यहीं पे इतना ही दिखा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, स्टेट टैक्सेस है, सब कुछ प्रॉपर दिखा रहा है। और अगर हम लोग जाएंगे अपना 3B देखने, तो 3B में भी देखिए अभी भी वहीं URD परचेज में दिखा रहा है। अब एक पॉइंट है, ये उठ के यहाँ पे आ जाना चाहिए, अब ये उठ के कैसे यहाँ पे आएगा, एलिजिबल ITC में, ITC भी लेनी है, 13500 की हमें ITC भी लेनी है, तो ITC में कैसे आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके लिए हमें एक और एंट्री करनी होगी, लास्ट एंट्री होती है इंक्रीज इनपुट टैक्स लाइबिलिटी, ओके जनरल में LG दबाना है,
तो इसके लिए हम लोग जाएंगे जनरल में, एंट्री करेंगे। ओके यहाँ पे एल्ट जे दबाएंगे। ओके जीएसटी, इस बार हमें क्या करना है, इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी इंक्रीज करनी है, और किसके अगेंस्ट, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर वाला डिटेल्स। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, हमें वही पकड़ाना होगा, इनपुट सी जी एस टी 0% 9%। ओके और टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, दैट इज 75,000 सही है, कितना अमाउंट था 6,750 रुपीज, ये इनपुट में चढ़ा देंगे। अभी इनपुट इसकी आईटीसी मिलेगी। कई लोग क्या करते हैं, हम लोग चाहे तो यहाँ पे इनपुट सी जी एस टी अंडर आरसीएम भी दिखा सकते हैं ताकि हमें रिपोर्ट में क्लियर हो, वैसे फिर भी रिपोर्ट में दिखेगा। फिर डेबिट करेंगे इनपुट एस जी एस टी 9% 75,000 6,750 रुपीज। देन अब हम लोग इनपुट जी एस टी आर सी एम डाले थे, इसको हम क्रिएट कर देंगे। तो ये देखिए नेल हो गया, ख़त्म हो गया जो एसेट में दिखा रहा था, और हमें उसकी आईटीसी मिल गई। जीएसटी डिटेल यस कर सकते हैं आप, कब से कब तक का था, 1 अप्रैल से 1 मई, क्या था ये, गुड्स का था केस। अब यहाँ पे बीइंग इनपुट आईटीसी टेकन अगेंस्ट अगेंस्ट आरसीएम, ये हो गया। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें देखिए बैलेंस शीट में अगर जाएंगे तो अब आईटीसी या ड्यूटीज एंड टैक्सेस में माइनस में आ गया, दैट मीन्स हमारा ये आईटीसी डेबिट बैलेंस माइनस में आ रहा है, इसका मेरे को आईटीसी एक्सेस क्रेडिट है जो हमको लेना है। अब हम लोग जाएंगे डीओजी देखने रिपोर्ट, यानी कि जीएसटीआर रिपोर्ट, जीएसटीआर 1 में देखिए। अब यहाँ पे एल्टर 2 दबाएंगे 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई तक। अब अगर हम देख रहे हैं ओके बुकड आ गई, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ देखिए दिया भी था 5,000 पर डे था, हमने कर भी लिया। और मेन जी एस टी आर 3 भी देखी रिपोर्ट, 1 अप्रैल 1 मई। अब देखिए आगे एलिजिबल आईटीसी में आ गई, 13,500 की आईटीसी हमें मिल रही है, पहले ये नीचे आ रहा था, अभी देखिए हमें आईटीसी एलिजिबल में आ गया एलिजिबिलिटी में। ओके सो मेरे ख्याल से ये वीडियो सबको समझ में आया होगा, एलिजिबल आईटीसी में आ गया। तो ये बस प्रोसेस है, यानी कि जब भी हम रिवर्स चार्ज के तहत एंट्री करेंगे, ये तो मैंने आपको क्या बताया, अनरजिस्टर्ड डीलर वाला, दैट मीन्स दिस वन केस, इसी तरह से हम लोग इसमें भी करते हैं, इसी तरीके से हम लोग इसमें भी करते हैं, दैट मीन्स थर्ड केस में भी, सर्विसेज और सर्विसेज के केस में भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन आई गुड्स का केस है, जाहिर सी बात है सर्विस का केस भी देखना चाहेंगे आप, तो वो अगले वीडियो में मिलेगा आपको। तो मेरे ख्याल से अगर आपको टैली पे ये आज का ये रिवर्स चार्ज का पूरा टॉपिक समझ में आया, जिसमें हमने एक परचेज की एंट्री किया जो वाउचर मुझे मिला, लेकिन ये 3 एंट्री हमें अपने दिमाग से करनी होती है। पहले हमें अपनी आउटपुट लाइबिलिटी बढ़ानी होती है, फिर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पहले बढ़ानी होती है, फिर पेमेंट करना होता है, फिर आईटीसी लेनी होती है। ये 3 एंट्री करनी पड़ेगी, ये आपकी प्रॉब्लम कह सकते हो या फिर कह लो एक दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, और मैंने आपको एक तरीका ही बता दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया, अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ एक और चीज़, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।